वेल गाइस, अगर आपको ये पैसों की ज्यादा ही इमरजेंसी हो गई, वैसे हमारा आप लोन लेना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, बस आप पेन का और हार्ड कार्ड के बेस पर लोन लेना चाहते हो दोस्तों, तो आप सही वीडियो पे क्लिक कीजिए। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊंगा जहां से आप ओनली फॉर पेन का आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करके लोन ले सकते हो। दोस्तों यह जो लोन एप्लीकेशन दोस्तों यहां से आप मिनिमम 2000 का लोन ले सकते हो और मैक्सिमम यहां से 25000 तक आप ऐसा लोन ले सकते हो, और वो भी ओनली फॉर केवाईसी करके। तो दोस्तों यह जो वीडियो होने वाला दोस्तों यह 5 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला दोस्तों, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे और एक भी ठीक आपसे मिस्टेक हो जाएगा दोस्तों, तो आपके यहाँ से लोन अप्लाई करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा दोस्तों। काफी सारे लोग का होता है क्या दोस्तों कि काफी सारे लोग यहाँ से अगर पूरा वीडियो नहीं देखते और उनको लोन वहां से अप्रूवल नहीं हो पाता है तो कमेंट करके कहते हैं कि भैया मुझे यहाँ पे लोन अप्रूवल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप यहाँ से देख ले दोस्तों, तो यहाँ से आपको 110% यहाँ से आपको लोन मिलेगा, और वो भी ओनली फॉर केवाईसी करके यहाँ से लोन मिलेगा। तो दोस्तों वह कौन सा लोन एप्लीकेशन है, उसमें कैसे लोन अप्लाई करना है, सभी कुछ हम आज की स्टेप बाई स्टेप बात करेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चाहो तो मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से भी इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, और ऐसे में वीडियो के बीच में बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे दिए हुए लिंक से जैसा आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, फिर आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे कोई स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों अब आपको इस लोन एप्लीकेशन में परमिशन देना है। तो परमिशन देने आपको करना के बाद दोस्तों आपको चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपको इस लोन एप्लीकेशन में लगातार परमिशन दे देना है। जैसे यहाँ से लगातार परमिशन दे दोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल फोन। दोस्तों अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में टेंज किया मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, फिर नीचे वो गेट मतलब कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो गेट कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके गेट कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसका दोस्तों आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करोगे उस फोन नंबर 6 अंक का ओटीपी आएगा, तो ओटीपी इंटर करके आपको उसे कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर करके मैं यहाँ से गेट कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहां से अपना ओटीपी इंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर दोस्तों आप इस लोन एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर यहाँ से आ जाओगे। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही बता दिया जाता है कि आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर मैक्सिमम यहाँ से 25000 तक आप ऐसा लोन ले सकते हो। दोस्तों अब आपको लोन अप्लाई करना है वो करना क्या पड़ेगा, तो नीचे आप देख सकते हो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गेट फर्स्ट लोन, तो यहाँ से वो गेट फर्स्ट लोन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से गेट फर्स्ट लोन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहां से आप गेट फर्स्ट लोन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से पूछा जा रहा है मंथली इनकम, यहाँ दोस्तों आपका मंथली इनकम क्या है, आप महीना में कितना कमा लेते हो वह एंटर कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे लोन पर्पस आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ दोस्तों आपका पर्पस क्या है, आप क्यों लोन लेना चाहते हो वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आपको दे देना है, यानी दोस्तों कि अगर आप यहाँ से रिपेमेंट नहीं करते समय पर तो उनसे आपको कॉन्टेक्ट किया जाए। दोस्तों अगर आप किसी भी कारण आपका मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ हो जाता है तो उस नंबर पर इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा कोई भी मेंबर्स यानी दोस्तों कोई भी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, वही इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आपको देना है। फिर आप जिसका भी नंबर दिए हो उनका यहाँ पे नाम इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आप चेक बॉक्स वाले ऑप्शन क्लिक करके फिर यहाँ पे आता है योर पेन नंबर, तो यहाँ पे पेन का टेन जी का नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है योर ईमेल, तो यहाँ पर कोई से ईमेल यहाँ पे इंटर करें। दोस्तों आपके फोन में जितना भी ईमेल होगा सभी ईमेल में से आप कोई से एक ईमेल यहाँ पे इंटर करके नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा, तो यहाँ से वो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं सभी डिटेल्स यहाँ पे इंटर करके मैं यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके पेन कार्ड को फेच करके दोस्तों यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा, आपका जेंडर देखने को मिल जाएगा, आपका पेन कार्ड का नंबर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके सही है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म एंड कंटिन्यू का, तो यहाँ से कन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ से आ जाओगे बैंक डिटेल्स में, तो दोस्तों यहाँ से वो बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बैंक डिटेल्स आपको वही देना है जिस भी बैंक का यह लोन अमाउंट लेना चाहते हो। सबसे पहले अपना अकाउंट जो आपका जो होगा कौन से बैंक में है वो बैंक का यहाँ पे नाम इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। उसका दोस्तों बैंक अकाउंट यहाँ पे आईएस कोड इंटर करके आपकी चेक बॉक्स वाले ऑप्शन क्लिक करके नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आता है इंटर योर आधार नंबर, तो आपको करना है क्या पड़ेगा, यहाँ पे अपने आधार का 12 डिजिट का नंबर इंटर कर देना है। फिर नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे अपने आधार का यहाँ पे 12 डिजिट का नंबर इंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, उसका दोस्तों आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल पर 6 अंक का ओटीपी आया, तो ओटीपी इंटर करके आपको कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसी प्रकार से अपने आधार कार्ड वेरीफाई कर लेता हूँ, तो आप भी अपने आधार कार्ड
प्रोसेस सेम इसी प्रकार से वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे वहां से अपना ओटीपी इंटर करके अपना कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, यानी दोस्तों अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लोगे, फिर दोस्तों वहां पर कुछ सेकंड वेट करना है। जैसे वहां पर कुछ सेकंड वेट कर लोगे फिर दोस्तों आपको फाइनल लोन यहाँ पे बता देगा कि आप जैसे कितना लोन के एलिजिबल हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अप्रूवल लिमिट यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि मैं ऐसे 5,000 का मैं इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन लेके एलिजिबल हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ऐसे मिनिमम 1,000 का लोन ले सकता हूँ और मैक्सिमम ऐसे 5,000 तक का मैं लोन ले सकता हूँ, जो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। और यह जो लोन अमाउंट है दोस्तों यह मिनिमम मुझे 1 मंथ के लिए मिलेगा और मैक्सिमम मुझे यहाँ पे 6 मंथ के लिए मिलेगा। दोस्तों आप उस लोन अमाउंट को लेने के लिए नीचे आपको एक चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको चेकबॉक्स वाले ऑप्शन क्लिक करके नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो एक्सेप्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना। जैसे वहां से एक्सेप्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पे आता है सेटअप ऑटो डेबिट। तो दोस्तों आपको अपना सेटअप ऑटो पे ऐसे कंप्लीट करना है। सेटअप ऑटो पे कंप्लीट करना है वो करना क्या पड़ेगा, तो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों अपना सेटअप ऑटो पे क्या चीज से कंप्लीट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो या डेबिट कार्ड यानी दोस्तों एटीएम कार्ड से करना चाहते हो। दोस्तों काफी सारे लोगों के पास नेट बैंकिंग नहीं होता है, तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है दोस्तों एटीएम कार्ड है तो यहाँ से आप डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, उसका तो फिर आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, उसका दोस्तों यहाँ पे लॉग इन अपना इंटर कर चुका, उसका आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वाले प्रोसीड वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ से अपना पासवर्ड इंटर कर लीजिए, फिर नीचे वो फिर से प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो फिर से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वाले प्रोसीड वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सेटअप ऑटो में कंप्लीट हो चुका है, जो देख सकते हो दोस्तों रिक्वेस्ट रजिस्टर में जा चुका है, यहाँ से सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे वो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3 से 4 सेकंड वेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। जैसे वाले आप 3 से 4 सेकंड वेट कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने आ जाएगा एक लास्ट स्टेप लोन एग्रीमेंट, तो वहां से आपको लोन एग्रीमेंट एक बार पढ़ लेना है, फिर दोस्तों वहां से आपको नीचे ई साइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना लोन एग्रीमेंट साइन कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा लोन यहाँ से अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 मिनट के अंदर में मेरे बैंक वाले से पैसा क्रेडिट कर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 5,000 का लोन अप्लाई किया और मेरे बैंक वाले से क्रेडिट मतलब किया जाएगा 3,951 रुपया और जो मुझे इनको रिपेमेंट करना है 6 महीना में 5,632 रुपया मुझे इनको रिपेमेंट करना है। मेरा रिपेमेंट डेट कब से स्टार्ट हो रहा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप भी अगर सेम इसी प्रकार से लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपको सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब ये भी बता देता हूँ कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम है रूपी डीडी पर्सनल लोन ऐप है, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप जैसे प्ले स्टोर जाओगे और रूपी डीडी पर्सनल लोन एप्लीकेशन यहाँ पे सर्च करोगे यह लोन एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपको सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दिया कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा उसको अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप भी अगर सेम इसी प्रकार से रूपी डीडी लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर मान लेते हैं कि किसी भी कारणवश अगर आपको रूपी डीडी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं मिलता है या अगर आपको लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है या अगर आपको लोन ऑफर नहीं किया जाता, तो अब आपको इस कंडीशन में करना क्या पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ओनली फॉर केवाईसी करके लोन लेना है और वो भी ओनली फॉर आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर, और वो भी दोस्तों अगर बात कर ले तो लोन अमाउंट की तो मिनिमम 5,000 का और मैक्सिमम 1,00,000 का, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके 50 लोन एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिलेगा। तो आप जाकर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर आप कोई भी इनकम प्रूफ कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड नहीं करना है। अगर आपके पास पैन का आधार कार्ड है तो वहां से मिनिमम 5,000 का लोन ले सकते हो और मैक्सिमम वहां से आप 1,00,000 तक का लोन ले सकते हो। तो उन 50 लोन एप्लीकेशन का भी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इस लोन एप्लीकेशन का भी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।